हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर टुडे वीडियो गोना बी अबाउट क्लास एट चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एंड एट द वीडियो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास हसन बायस टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म हसन ने दो तरह का कपड़ा खरीदा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम रुपीज़ फिफ्टी पर मीटर एंड ट्राउजर मटीरियल डेट हिम रुपीज़ नाइनटी पर मीटर एक उसने शर्ट का कपड़ा ख़रीदा है और शर्ट के कपड़े का रेट हमें दिया है फ़िफ्टी रुपीज़ पर मीटर और एक उसने पैंट का कपड़ा यानी ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा उसका रेट हमें दिया हुआ है नाइन्टी रुपीज़ पर मीटर फॉर एवरी थ्री मीटर ऑफ द शर्ट मटीरियल ही बाइज़ टू मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटीरियल हर तीन मीटर शर्ट के कपड़े के लिए उसने दो मीटर पैंट का कपड़ा यानी ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदा डैट मीन्स ये क्या दी हुई है? हमें रेशो दी हुई है शर्ट और ट्राउज़र की थ्री रेशो टू ठीक है ही सेल्स द मटीरियल एट ट्वेल्व परसेंट एंड टेन परसेंट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली और फिर जो मटेरियल उसने खरीदा उसको उसने ट्वेल्व परसेंट यानी कि शर्ट के मटेरियल को और टेन परसेंट ट्राउज़र को प्रॉफिट पर बेच दिया हिज़ टोटल सेल हीज़ थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और उसको टोटल पैसा जो मिला वो कितना मिला थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाउ मच ट्राउज़र मटीरियल डज़ ही बाई तो आपको बताना है उसने ट्राउज़र मटीरियल वो कितना मीटर खरीदा अब हमको जो सेल दिया है यहाँ पर वो कितनी दी हुई है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की दी हुई है ठीक है और अब हमें रेशो के दी हुई है शर्ट्स और ट्राउजर की जो हमें रेशो दी हुई है शर्ट से ट्राउजर की रेशो हमें दी हुई है थ्री रेशो टू थ्री फॉर एवरी थ्री मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइस टू मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ठीक है अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेट <coughs> करते हैं लेट दी क्लोथ मटेरियल फॉर शर्ट लेट दी Cloth material for शर्ट कितनी है कितनी दी हुई है हमें थ्री और हम क्या करते हैं थ्री एक्स मान लेते हैं थ्री एक्स मीटर ठीक है ऐसे ही हम क्या करते हैं ट्राउज़र के लिए मान लेते हैं लेट दी ट्राउज़र मटेरियल फोर लेट दी क्लोथ मटीरियल लेट दी क्लोथ मटीरियल फॉर ट्राउजर वो कितने दिया हुआ हमें टू हम क्या कर ले करते हैं टू एक्स मीटर मान लेते हैं इसको ठीक है अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एक मीटर शर्ट के कपड़े का रेट हमें कितना दिया हुआ है फिफ्टी रुपीज़ पर मीटर हमें क्या दिया हुआ है एक मीटर शर्ट के कपड़े का रेट हमें कितना दिया हुआ है फिफ्टी रुपीज़ पर मीटर फिफ्टी रुपीज़ हुआ है अब हम क्या करेंगे थ्री एक्स मीटर के लिए निकालेंगे हम क्या करेंगे थ्री एक्स मीटर शर्ट के कपड़े का रेट निकालेंगे तो क्या होगा थ्री एक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस ऑफ थ्री एक्स कोस्ट ऑफ थ्री एक्स मीटर शर्ट क्लॉथ मटेरियल क्या होगा हमारे पास थ्री एक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी क्योंकि एक मीटर शर्ट का कपड़े का रेट हमें दिया हुआ है कितना फिफ्टी तो तीन मीटर थ्री एक्स मीटर कितने का होगा थ्री एक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी यानी कि वन फिफ्टी एक्स रुपीस ठीक है ऐसे हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे ट्राउजर कॉस्ट प्राइस को हम लिख लेते हैं सी पी सी पी ऑफ टू एक्स मीटर सी पी ऑफ टू एक्स मीटर किसका निकालना है ट्राउजर का ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल क्या होगा हमारे पास टू एक्स मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ हमें नाइन्टी ट्राउज़र का जो एक मीटर कपड़े का रेट है वो कितना है एक मीटर का ट्राउज़र का जो कपड़ा आएगा वो हमारा कितने का आएगा नब्बे रुपये का तो हमें कितने का निकालना है टू एक्स का निकालना है तो टू एक्स मल्टीप्लाई नाइन्टी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा हम इंटू कर देंगे वन रुपीस एक्स रुपीज़ ठीक है अब हमारे पास मैं आपको बता देती हूँ ये सी क्या होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं ठीक है कॉस्ट प्राइस हम किसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस ठीक है price, और प्रॉफिट यूज़ हो रहा है इसके अंदर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है फ़ायदा ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें पता है हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब यहाँ पे एस पी क्या होता है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस हमारा किसके इक्वल होता है हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा यहाँ सी पी क्या होता है सी पी ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है हमारा यहाँ हंड्रेड प्लस पी परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी ठीक है इतनी बात अब हमें पता है उसने कितना कपड़ा ख़रीदा वो हमें नहीं पता पर जो उसने बेचा है वो हमें पता है क्योंकि उसने कितने की टोटल सेल की है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की सेल की है हमें नहीं पता कि उसने कितना कपड़ा खरीदा बट हमें ये पता है कि उसने कितना कपड़ा बेचा ठीक है अब हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सॉरी अब हम क्या करेंगे एसपी निकालेंगे किसका शर्ट का मटेरियल ठीक है अब हम क्या निकालेंगे एस पी क्या है हमारा यहां एस पी क्या क्लॉथ मटेरियल तो कितना होगा हमारा एस पी <coughs> हमने क्या किया इस फॉर्मूले का यूज किया ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें शर्ट पे कितना प्रॉफिट दिया है ट्वेल्व परसेंट और हमें ट्राउज़र पर कितना यानि ट्राउज़र पैंट पर कितना प्रॉफिट दिया हुआ है टेन परसेंट अब हम हम यहाँ क्या करेंगे शर्ट के लिए निकालेंगे तब यहाँ प्रॉफिट डाल देंगे ट्वेल्व परसेंट और सी पी हम डाल देंगे वन फिफ्टी और जब हम ट्राउज़र के लिए यूज़ करेंगे तब प्रॉफ़िट हम डालेंगे टेन परसेंट और सी पी यहाँ पर डालेंगे हम वन एटी ठीक है इसलिए हमने क्या किया एस पी ऑफ शर्ट क्लॉथ मटेरियल हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे इस फॉमूले में वैल्यू रख के हंड्रेड प्लस ट्वेल्व परसेंट है ट्वेल्व रखेंगे अपॉन हंड्रेड और मल्टीप्लाई क्या करेंगे वन फिफ्टी एक्स क्योंकि ट्वेल्व परसेंट का शर्ट पे प्रॉफिट था हमारा शर्ट का प्रॉफिट ट्वेल्व परसेंट पे था और हमें जो दिया हुआ था सी पी वो कितना है हमारा वन फिफ्टी सी पी हमने कितना निकाला वन फिफ्टी और सी पी क्या होता है हमारा सी पी वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं ठीक है और रेसिपी क्या होता है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं अब हम क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे हंड्रेड प्लस ट्वेल्व क्या होगा हमारा वन वन टैल्व अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन फिफ्टी एक्स और अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे <coughs> अब ये हमारा पाइप के टेबल पे चले जाएंगे दोनों नंबर ठीक है इतनी बात और अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे टू सिक्स या ट्वेल्व और फिफ्टी सिक्स की मल्टीप्लाई हम थ्री में करेंगे वन सिक्स एट एक्स रुपीस हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे किसका ट्राउज़र क्लोथ मटेरियल का सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र क्लोथ मटेरियल तो वो कितना होगा हमारे पास हंड्रेड प्लस टेन परसेंट दिया हुआ था अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई हमने क्या किया था वन एट्टी एक्स वन एटी एक्स निकाला हमने सी पी सी पी हमने क्या निकाला ट्राउजर के लिए वन एटी एक्स रुपीज और अब हम क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे हंड्रेड प्लस टेन वन वन टेन अपोन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन एट्टी एक्स अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे टू फाइव जब टेन टू नाइन जी फाइव वन जो जेन फाइव टू जेन और हम इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई वन नाइन एट एक्स रुपीज ठीक है और अब हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है टोटल सेल जो हुई है हमारी कितनी की हुई है थर्टी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की हुई है तो अब हम क्या करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल जो हुई है हमारी कितने की हुई है एस पी ओफ शर्ट मटीरियल प्लस एस पी ओफ क्लॉथ मटीरियल इक्वल है हमारा टोटल सेल के एस पी ऑफ शर्ट मटेरियल क्या है हमारा वन सिक्सटी एट एक्स प्लस एस पी ऑफ क्लोथ मटेरियल वन एट एक्स और टोटल से कितने की हुई थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की ठीक है और हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे थ्री सिक्स सिक्स एक्स होगा थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे जो हमारा थर्टी हमारा जो ये नंबर है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से हंड्रेड ठीक है एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई है हंड्रेड बट हमें एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए हमें तो क्या बताना है हमें तो बताना है कि ट्राउज़र उसने कितने का ट्राउज़र का कपड़ा उसने कितने का खरीदा बट हमें तो क्या बताना है ट्राउज़र का कपड़ा में तो हम क्या करेंगे मटीरियल फोर ट्राउज़र मटेरियल फॉर ट्राउजर इक्वल्स टू कितना है हमारा हमने क्या लिया था टू एक्स क्या लिया था टू एक्स यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की तो टू मल्टीप्लाई एक्स कितना आया हंड्रेड आंसर क्या होगा आपका टू हंड्रेड मीटर एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म हसन ने दो तरह का कपड़ा ख़रीदा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए एक तो शर्ट का कपड़ा खरीदा और किस एक ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा जो उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा वो किस रेट पर ख़रीदा उसने एक मीटर कपड़े का रेट क्या पड़ा उसको पचास रुपये शर्ट के कपड़े का रेट और ट्राउज़र का कपड़ा जो उसने खरीदा उसका क्या रेट था एक मीटर कपड़े का रेट था नब्बे ठीक है हमने क्या किया फिर हमें दिया हुआ है फोर एवरी थ्री मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइस टू मीटर ऑफ दी ट्राउज़र मटेरियल हर तीन मीटर शर्ट के कपड़े के लिए उसने दो मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा यानी कि हमें क्या दी हुई है रेशो दी हुई है हमें तो ये शर्ट और ट्राउज़र की जो हमें रेशो दी हुई है वो क्या दी हुई थ्री रेशो टू यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है हमने क्या किया लेट दी क्लॉथ मटीरियल फॉर शर्ट ये शर्ट के लिए है लेट दी क्लॉथ मटीरियल फॉर शर्ट जो उसने शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा हमने मान लिया वो कितना है थ्री एक्स मीटर और जिसने ट्राउज़र के लिए एक कपड़ा खरीदा वो कितना है हमारा टू एक्स मीटर ठीक है अब हमें क्या <coughs> हमें पता है एक मीटर शर्ट का कपड़ा उसने कितने का ख़रीदा पचास रुपये का बट हमें कितने के लिए निकालना है थ्री एक्स हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें थ्री एक्स मीटर शर्ट क्लॉथ मटेरियल के लिए तो कितना होगा एक मीटर पचास एक मीटर जो कपड़ा है शर्ट का वो पचास रुपये का है हमारा तो थ्री एक्स मीटर कितने का होगा थ्री एक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी होगा तो वन फिफ्टी एक्स रुपीस का होगा ऐसे ही हमने क्या किया जो उसने एक मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा वो कितने का खरीदा एक मीटर ट्राउजर का कपड़ा कितने का है उस पड़ा है उसको नब्बे रुपये का हमने कितने के लिए निकालना है टू एक्स के लिए निकालना है तो टू एक्स मल्टीप्लाई नाइन्टी हो जाएगा टू एक्स मल्टीप्लाई नाइनटी डैट मीन्स वन एक्स ठीक है अब बट अब हमें क्या पता है कि जितना हमें क्वेश्चन में दिया था हमने इसको सोल्व कर दिया अब हमें क्या पता है हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ही सेल्स दी मटेरियल एट ट्वेल्व परसेंट एंड टेन परसेंट प्रोफिट रिस्पेक्ट फिर उसने क्या किया जो ये मटेरियल था उसने उसको क्या किया इस मटेरियल को बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पर शर्ट को उसने बेचा ट्वेल्व परसेंट प्रॉफिट पर और जो ट्राउज़र है उसको उसने बेचा टेन परसेंट प्रॉफिट पर डैट मीन्स मुझे क्या पता है प्रॉफिट पता है शर्ट और ट्राउज़र का ठीक है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डज़ ही बाय तो आपको बताना है उसने ट्राउज़र मटेरियल कितने का कितना मीटर ख़रीदा ठीक है अब हमें क्या पता है प्रॉफिट पता है यहाँ से यहाँ से हमें क्या पता चला क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट भी पता है और हमें क्या पता है कॉस्ट प्राइस भी पता है हमें क्या पता है हमने कपड़ा एक मीटर कपड़े का रेट हमें पता था थ्री एक्स मीटर का हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है डैट मीन्स अब हमें क्या पता है कॉस्ट प्राइस पता है प्रॉफिट पता है अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास हंड्रेड प्लस पी परसेंट अपॉन हंड्रेड मल्टीप्राइज सी पी क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पता है प्रॉफिट हमें पता है कि शर्ट और ट्राउज़र पर हमें प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर ही लिया है एस पी हम निकाल सकते हैं अब कि उसने कितने में फिर वो बेचा ठीक है एस पी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एस पी निकाल लेंगे शर्ट के लिए जब हम शर्ट के लिए एस पी निकाल लेंगे तब हम प्रॉफिट की वैल्यू पुट करेंगे ट्वेल्व परसेंट ठीक है और कॉस्ट प्राइस हम पुट करेंगे वन फिफ्टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर हम जब हम बात करेंगे ट्राउज़र की तब हम प्रॉफिट हमें कितना हुआ है टेन परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है ये कॉस्ट प्राइस वन एटी एक्स रुपीज़ बस ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और कैंसिल किया कैंसिल करना तो सबको आता ही है कैंसिल किया हमने और फिर जो हमें जो सेल दी है टोटल सेल कितने की हुई है थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की सेल हुई थी इसलिए हमने क्या किया टोटल सेल लिखा और एस पी ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस एस पी ऑफ क्लॉथ मटेरियल टोटल सेल कितने की हुई है इतने की हुई है शर्ट पे कितने की हुई है इतने की हुई है और ट्राउज़र पे कितने की हुई है वन नाइन एड रुपीज़ की हुई है इसको ऐड किया और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और जो हमें चाहिए था फिर हमने क्या किया उसको कैलकुलेट किया अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डीर आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय और शेष का तीन चौथाई पड़ोस में मतलब आसपास वो क्या कर रहा है खेल कूद रहा है द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड शेष जो नौ बच्चे हिरण हैं हमारे वो क्या कर रहे हैं तालाब में पानी पी रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डीर इन दर्ड झुंड में हिरण की संख्या ज्ञात करनी है हमें ठीक है हम क्या करते हैं लेट टोटल हिरण कितने हैं हमारे पास हम ले लेते हैं एक्स ठीक है अब कुछ तो हमारे पास क्या कर रहे हैं हिरण जो हैं हमारे कुछ क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं कुछ खेल रहे हैं कुछ चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ क्या कर रहे हैं हमारे ग्रेजिंग कर रहे हैं ठीक है और कुछ हमारे क्या कर रहे हैं प्लेइंग नियर खेल रहे हैं आसपास पड़ोस में वो खेल रहे हैं और रेस्ट नाइन जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर टोटल हमने किसके इक्वल ले लिए हैं ये एक्स के इक्वल ले लिए हैं ठीक है जो हमारे ग्रेजिंग कर रहे हैं जो हमारे चल रहे हैं वो कितने हैं हमारे हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो टोटल तो कितने हैं एक्स हाफ़ कितने होंगे एक्स बाई टू प्लस थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर और उनमें से तीन बटा चार जो है हमारे वो क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं एक्स थ्री फोर्थ क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए में से डैट मीन्स टोटल क्या है हमारे एक्स एक्स बाई हाफ क्या कर रहे हैं हमारे ग्रेजिंग तो एक्स बाई हाफ क्या कर रहे हैं हमारे उसमें से खेल रहे हैं और उसका हमें क्या करना है थ्री बाई फोर करना है और ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पी रहे हैं वो कितने हैं हमारे नाइन है और टोटल कितने हैं हमारे एक्स हैं अब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे थ्री एक्स फ़ोर टू ज़ा एट प्लस नाइन इक्वल्स टू एक्स अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है टू और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है एट अब हम क्या करेंगे टू और एट का एलसीएम लेंगे टू वन ज़ा टू टू फोर ज़ा एट फोर वन जा फोर जब तक हमारे पास यहाँ वन नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहते हैं सोल्व करते रहते हैं अब हमारे पास एलसीएम क्या आया हमारा एट टू मल्टीप्लाई फोर क्या हुआ एट एलसीएम क्या आया हमारा एलसीएम क्या आया हमारा टू और एट का एट ठीक है अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय एट मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एट ठीक है इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एट से एट मल्टीप्लाई एक्स बाई टू प्लस एट मल्टीप्लाई थ्री एक्स बाई एट प्लस नाइन बाई एट सॉरी यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एट इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई एक्स एट से हमने क्या की ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दी टू फोर जा एट फोर एक्स एट से एट कैंसल प्लस थ्री एक्स नाइन जा हम क्या करेंगे पहले हमने क्या किया मल्टीप्लाई की और फिर हमने क्या अब हम क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं इसको ठीक है एट एक्स और अब हम क्या करेंगे एक्स की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे उसको अलग कर लेंगे और कॉन्स्टेंट को अलग कर लेंगे फोर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स प्लस सेवेंटी टू इक्वल्स टू एट एक्स एट एक्स को यहीं रख के रखेंगे सेवन एक्स को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी सेवन टी टू डेट मीन्स जो टोटल हिरन है वो हमारे कितने आए यहाँ पर एक्स लिया था एक्स कितना है हमारे यहाँ सेवनटी टू आई होप यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर दॉचिंग